सुमन बढ़िया बढ़िया दिन हो गए, तभी तो हम लोग सत्संग सुनने आए हैं। आगे सत्संग में तब क्या हो गया देखिए, जीवन यात्रा बदलने लगी यहीं से। आगे सत्संग में संत गुरुजनों के प्रवचन को सुनते रहे, मन बदलता चला गया। जब सही ढंग से बातों को सुने समझे तब इसकी महिमा और गरिमा को बूझ करके कहा गुरुजी अब सुनने से काम नहीं चलेगा, आपके विचारों में अपने जीवन को हम ढाल सकें, आपके विचारों के रंग में अपने जीवन को हम रंग सकें, हमको दीक्षा का ही नहीं दे देते हैं। दीक्षा ले लेता है और जैसे दीक्षा लेता है तो गुरुजी गर्दन में माला डाल देते हैं। और माला क्या है तो सत्य अहिंसा की प्रतीक गर्दन में बांधम माला। देखिए हमारी जीवन यात्रा बदल गई, हमारे जीवन की दिशा बदल गई और हमारी दशा सुधरने वाली है। यदि अपने जीवन की दशा को हम बढ़िया बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले दिशा ठीक करनी होगी। जो अपने जीवन की दिशा को ठीक करता है उसी आदमी की दशा ठीक हो जाती है। दशा माने हाल, उसका हाल ठीक हो जाता है जिस व्यक्ति की चाल ठीक हो जाती है। किसी आदमी से हम लोग पूछते हैं कहिए हाल चाल, प्रश्न और उत्तर दोनों इसी में है। हाल कैसा है तो जैसी चाल है वैसा हाल है। चाल अगर बिगड़ जाए तो किसी का हाल अच्छा नहीं रह सकता है। चाल बिगड़ गई रावण की, क्या दुर्गति हुई। चाल बिगड़ गई विराट के लड़के कीचक के, हैं क्या नाम था, विराट का जो साला था ना, उसकी चाल बिगड़ गई, दृष्टि बिगड़ गई, अज्ञातवास में द्रौपदी शैलेंद्री के रूप में थी, पांचों पांडव अपना नाम बदल बदल कर अज्ञातवास कर रहे थे। विराट के साला कीचक की दृष्टि बदल गई द्रौपदी पर, इसकी भनक मिल गई भीम को। तुरंत महाभारत में वर्णन है, हजार हजार हाथी का बल रखने वाला आदमी हुआ था। वो कीचक विषय में लोग कहते हैं कि 10,000 हाथी का बल था। चाल बिगड़ गई, उसकी दृष्टि बिगड़ गई, भावना बिगड़ गई, इसका पता चला वीरवर भीम को, तो कंधा पर कीचक को उठा करके उधर ले गया और पटक पटक करके समूचे देह की रंगकिल्ली अलग अलग कर दी। चाल बिगड़ी तो हाल बिगड़ गया। आज भी लोगों की चाल बिगड़ रही है तो हाल बिगड़ रहे हैं। आज अधिकांश लोगों की चाल बिगड़ती जा रही है, आदमी अल्पजीवी होता जा रहा है, जीवन जीने का अध्याय शुरू नहीं होता है और श्मशान घाट में जाकर के लेट जाता है। चाल बिगड़ी है। बिहार में 12 बजे दिन में एक गांव से गुजर रहा था, एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठकर काम करवा रहा था, श्राद्ध कर्म। पूछा कि ये क्या मामला है, उस बूढ़े की आंखों से आंसू ठलने लगे। कहा गुरुजी यही काम मेरे बेटे करते पोते करते, यानी हम मर जाते, मरने की उम्र थी हमारी, हमारे बेटे पोते श्राद्ध करते, गरीबों को भोजन देते, स्वजन परिजन सबको निमंत्रण देकर के भोजन कराते, संत महात्माओं को बुला करके जीवन संबंधी बातों का उद्घाटन करवाते, हमारी स्मृति में कहीं सत्संग भवन बनता है,
हमारी स्मृति में कहें विद्यालय पुस्तकालय बनता है, कितनी खुशी होती है हमारे बेटे पोते को। आज बड़ा दुख है, यहां अगर पिता और दादा बने बैठे हो आप लोग, ये दुर्दिन देखना चाहते हो क्या? जो जवान लोग बैठा हुआ है, जवानी में चिता पर लेटना चाहता है क्या? अगर नहीं, इस घटना से कुछ सबक लो। उस बूढ़े ने कहा कि बड़ा दुख का विषय है। हमने कहा हुआ क्या? कहा आज हम अपना पोता का श्राद्ध करना है। दादा कहता है कि हम आज अपना पोता का श्राद्ध कर रहे हैं। हम कहा पोता का श्राद्ध क्यों कर रहे हो? मर कैसे गया? कहा कुसंग में चला गया। बाबा तुलसी ने कहा है कि को न कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग पा करके कौन आदमी अपने को बर्बाद नहीं कर लेता है? जो गलत संगति करने वालों के पास चतुराई नहीं रहती है, बुद्धि नहीं रहती है, समझ अस्थिर नहीं रहती है उसकी। हमारा पोता कुसंग में चला गया, बुद्धि मति धूमिल हो गई, पीने लगा शराब। इतना जम करके शराब पी लिया, चला चाल खराब हो गई। शराब पीने की चाल खराब, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। आई रोग सब जगह व्यापक होता चला जा रहा है, हमारे यहां भी है। नेपाल के विषय में तो लोग परिभाषा ही कहते हैं कि सूर्य अस्त और नेपाल मस्त। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उस बूढ़े ने कहा कि हमारा पोता कुसंग में चला गया, बुद्धि मलिन हो गई, पीने लगा शराब। और शराब पीने का असर सबसे पहले किडनी और लीवर पर पड़ता है, और वही जीवन का मूलाधार है। लीवर काम करना छोड़ दिया, आदमी मरेगा। किडनी फेल हो गई, कोई उपाय नहीं है बचने का। उस लड़के का लीवर और किडनी दोनों प्रभावित हो गए, उसका शरीर कांपने लगा। निकटवर्ती किसी डॉक्टर ने कहा कि देखो बुआ, तुम शराब पीना छोड़ दो, अब तुम्हारा जीवन भीतर से प्रभावित हो रहा है, शरीर में कंपन आ गया है। आदत की लाचारी में उस शराब खोर लड़के ने कहा कि डॉक्टर साहब आप कहते सही हो, कमजोरी मेरे पास है। कहा क्या? कहा दम टूट सकता है किंतु बोतल छूट नहीं सकता है। उसके दादा ने आंख में आंसू गिराते हुए कहा कि 19 वर्ष की अवस्था में वो अभागा पोता हमारा मल करके चिता में जल गया और आज हमसे अपना श्राद्ध करवा रहा है। लोगों की चाल बिगड़ती है, हाल बिगड़ जाता है। बड़े बड़े नेताओं को देखो, मिनिस्टरों को देखो, सांसद विधायक को देखो, चाल बिगड़ती है तो जिसकी सेवा में सुरक्षा में पुलिस बल खड़े रहते हैं, जब उसकी चाल बिगड़ जाती है तो वही पुलिस बल उसको अरेस्ट करके और भीतर में कर देता है जेल में। चाल बिगड़ने से स्वामी सेवक हो जाता है, चाल बिगड़ने से दंड देने वाला स्वयं दंड का भागी हो जाता है, चाल बिगड़ने से लोगों का हाल बिगड़ जाता है। सब लोग अपनी दिशा को ठीक देखना, दशा को ठीक देखना चाहते हैं, हमारे स्वास्थ्य की दशा ठीक हो, हमारे अर्थ की दशा ठीक हो, समाज में हमारे सम्मान की दशा ठीक हो, हम स्वस्थ जीवन जिए, समृद्ध जीवन जिए, सुख संपदा संपन्न जीवन जिए और सम्मानित जीवन जिए, तो दिशा सही करो। दिशा बिगड़ने से ही आदमी रोगी जीवन जी रहा है,
दिशा बिगड़ने से भी आदमी अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, भूख लगी है, भोजन नहीं मिलता है, ठंड उतर गई है, देह को कपड़े से भेंट नहीं है, रोग लग जाने पर दवाई का प्रबंध नहीं है, अभाव आया है अपनी चाल बिगड़ने से। हमारे यहां कुछ लोकोक्ति है, लोग कहते हैं कि आमदनी कम, सबको याद कीजिए इस बात को, आमदनी कम और खर्चा है ज्यादा, आमदनी कम खर्चा है ज्यादा, ये तो चाल बिकाए का, और ताकत कम गुस्सा है ज्यादा, ये तो चाल पिटाए का। समझ के अनुसार आमदनी के अनुकूल अगर आपकी खर्च तालिका नहीं है तो आपको दरिद्र होने से, भिखारी होने से, गरीब होने से कोई बचा नहीं सकता है। दरिद्र हो इसका मतलब चाल कहीं बिगड़ गई है, रोगी हो इसका मतलब कहीं चाल बिगड़ गई है, समाज आपको आदर नहीं दे रहा है, आप अपमानित जीवन जीते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी चाल गड़बड़ हो गई है। इसलिए हमारे संत ने कहा है कि अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। अगर हर भाई बहन अपने अपने कर्म को सुधार कर चले तो कोई ईश्वर खुदा उसका क्या बिगाड़ लेगा। सही कर्म करने वाले को कोई भगवान ईश्वर खुदा दंड दे देगा क्या? इतना पागल तो परमात्मा नहीं है, इतना विकृत मस्तिष्क का परमात्मा नहीं है कि जो अच्छा करे उसका बुरा फल दे देगा और जो बुरा करेगा उसको अच्छा फल देगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो दशाएं अपनी ठीक देखना चाहते हैं तो आपकी दिशा को संत गुरु ठीक कर रहे हैं, क्योंकि संत गुरु से बड़ा हितैषी धरती पर कोई नहीं है, उससे बड़ा मित्र कोई नहीं है। राम जी का जब संबंध हुआ सुग्रीव से तो मित्रता का संबंध बनाया और राम जी ने कहा सुग्रीव से कि सुग्रीव कुपथ निवारी सुपंथ चलावर आ गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावर, जो कुपथ से हटा करके सुपथ में लगा देता हूं, जो सारे जीवन के दुर्गुणों को मिटा करके जीवन को सदगुण संपन्न बना देता हो उसी का नाम मित्र है, और ऐसा मित्र संत सदगुरु से छोड़ करके दूसरा कोई नहीं। ये संत सदगुरु के शरण में आने से ही हमारे सारे दुर्गुण मिटते हैं। ऋषि मिल गए वाल्मीकि को, जो राक्षस था, हत्यारा था, लुटेरा था, जो समाज के लिए अभिशाप था, कहीं आकाश में बादल लग जाए और बिजली कड़के तो रत्नाकर के समय में रत्नाकर से लोग इतने आतंकित हो गए थे कि जब बिजली कड़कती थी ना तो लोग सोचे कि कड़क करके यहाँ क्या रहते हो, कड़कते हुए जाओ और रत्नाकर के सिर पर गिर जाओ। सारे लोगों की मानसिकता थी कि रत्ना कब धरती से विदा हो जाए, समाज के लिए अभिशाप बन गया था, उसके जीवन से लोगों को नफरत हो गई थी। अब वही रत्नाकर जब पतित पावन संत गुरुजनों की जिंदगी से टकरा गया और ऋषियों ने जब उसके दिमाग के तमाम स्क्रू को थोड़ा थोड़ा कस दिया तो रत्नाकर बदल करके वाल्मीकि हो गए। उस वाल्मीकि का अभिनंदन राम जी करते हैं, राम जी वाल्मीकि का नमन करते हैं, दुनिया के लोग ये कहने लगे कि हम लोगों की आयु में से कट कट करके आयु चल जाए सब वाल्मीकि के शरीर में, जो कल तक मौत की प्रतीक्षा लोग कर रहे थे
वो सारे लोग कहने लगे कि हम लोगों की जो आयु है ना, उस आयु में से कुछ कुछ प्रतिशत निकल कर वाल्मीकि में चला जाए। अब वाल्मीकि अनंत काल तक जिंदा रहे, ये बड़ा आदर्श पुरुष है। इतना परिवर्तन संत गुरुजनों के संग हो जाता है। गोस्वामी तुलसी ने कहा था, मज्जन फल देखिए तत्काल है। ये सत्संग क्या है? मज्जन देखो, कल से प्रवचन भजन से तमाम भाई बहनों के मस्तिष्क को लोग रगड़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसी ने कहा कि मज्जन फल देखिए तत्काल है। सत्संग एक मज्जन है, एक घर्षण है। इस मज्जन का फल क्या होता है? काक होई पिक। जो कौआ स्वभाव का आदमी है वो कोयल स्वभाव का हो जाता है। कौआ कौ कौ बोलता है, तो कठोर बोलने वाला कोयल की तरह मधुर बोलने वाला हो जाता है। कौआ मांसाहारी होता है, सब कुछ खा लेगा। कोयल सब कुछ नहीं खाता है, वो शाकाहारी होता है। जो मांसाहारी कौआ वृत्ति का आदमी है वो शाकाहारी कोयल वृत्ति का हो जाएगा। जो कटुभाषी है वो मधुरभाषी हो जाएगा। सत्संग का ये फल है कि काक हो पिक। काक स्वभाव का आदमी कोयल स्वभाव का हो जाता है। एक दिन बहु एक आ गई सत्संग, एक नई दुल्हन जिसका सास के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था, ससुर के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था, पति के प्रति भी जैसी भावना जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं था। घूमते फिरते आ गई सत्संग में, और उसी समय पारिवारिक जीवन के आदर्श व्यवस्था पर संत चर्चा कर रहे थे कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो। जनकपुर में जानकी से उसकी मां ने कहा था, यही प्रसंग संत ने पंडाल में रख दिया कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, अब पति रुख लखी कारज अनुसरे हो। थोड़ा इसका विश्लेषण करके संत ने कहा कि सोचो कि सास ससुर का कितना बड़ा उपकार है। तुम्हारा जो जीवन संगी पति है उसको जन्म देने वाले तुम्हारे सास ससुर हैं। कितनी कठिनाई होती है एक बच्चे को जन्म देने में, पालने में, पोसने में। जो तुम्हारा जीवन संगी पति है उसको जन्म देने वाले तुम्हारे सास ससुर हैं, उसको पालने पोसने वाले तुम्हारी सास है, होश संभालने पर विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय भेजने वाले तुम्हारे ससुर जी हैं। कठिन से कठिन श्रम करके अन्न द्रव्य का उत्पादन करके स्वयं आधा पेट खा करके आधी देह कपड़े पहन करके अपने जीवन के आवश्यक खर्च में भी कटौती करके माता पिता क्या नहीं करता है बच्चे के लिए। उसको गुणी बनाया, पहलवान बनाया, विद्वान बना करके तुम्हारा जीवन संगी बना दिया। सास ससुर की बहुत बड़ी देन है, माता पिता की बहुत बड़ी देन है। क्योंकि महर्षि मनु ने कहा कि जंग माता पितरों के लिए संग सहेते समवेद नाम न तस्य निष्कृति सक्या कर्तुम बरसते रहते। माता पिता की सेवा को नहीं भूलना बहुत बड़ी कृतज्ञता है। अकृतज्ञता धरती पर सबसे बड़ा पाप है, जो माता पिता के उपकार को नहीं माने, संत गुरु के सदुपदेश के उपकार को नहीं माने, वो कितना बड़ा कृतज्ञ आदमी होगा। एक पुत्र को जन्म देने पालने पोषने विद्वान चरित्रवान बनाने में जो माता पिता की लागत लगती है,
अगर वह पुत्र 100 वर्षों तक माता पिता की सेवा करे उद्धार नहीं पा सकता है, इतना बड़ा अनुलंघ ऋण है माता पिता का।